स्टूडेंट जो है ये वाला वीडियो जो है आपको इस बारे में जो है दिखाया जा रहा है कि जो है नीट 2019 में फिजिक्स में किस यूनिट से कितने कितने सवाल पूछे गए, यानी कि अगर आपको वो यूनिट पक्का है तो आपको कितने नंबर मिलने के लिए आप बिल्कुल आश्वस्त हो सकते हैं 2019 पेपर नीट का। और इसको जो है यूनिट वाइज क्वेश्चन नंबर और मार्क्स के नाम से हमने दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे इसको जो है 9 यूनिट दिखाई गई है। और इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि हमने इसको वेव भी लिया है और वेव ऑप्टिक्स भी लिया हुआ है, तो हमने इसको जो है दो पार्ट में किया है। और एक्चुअल में जो है यहाँ पे 8 ही यूनिट होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको जानबूझ करके जो है 9 पार्ट में इसको क्लासिफाई किया हुआ है। तो लुक हेयर की जो है क्या वेटेज है सभी का, तो पहला आपका जो है आइडिया है मैकेनिक्स का, इसमें आप देख सकते हैं कि 13 सवाल पूछे गए हैं। 13 सवाल का मतलब हो गया 52, और अगर आप जो है क्वेश्चन के थ्रू जाएं तो आपको ऐसा एक भी सवाल नहीं मिलेगा जहां पे आपको लगता हो कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है या मैकेनिक्स ने अपना मैकेनिक्स वाला रंग दिखाया हुआ है, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। दूसरा है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये वो यूनिट है जिसको कि कभी भी CBSE या AIPMT ने कभी भी क्लेम किया हो कि हम इसको जो है अपने यूनिट में देते हैं, लेकिन तब भी पिछले 20 सालों से हमेशा सवाल पूछा गया है, तो उनके सिलेबस में ये कभी नहीं रहता, लेकिन हमेशा सवाल जरूर आता है। उनकी संख्या है 3 और क्वेश्चन जो है अगर आप तीनों सॉल्व करते हैं तो आपको नंबर मिलेंगे 12। इस तरह से हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पे जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस भी इसी में जो शामिल किया गया है। टोटल क्वेश्चन की संख्या यहाँ पे 4 है और मार्क्स यहाँ पे 16। वेव्स एंड ऑसिलेशन, जैसा कि हमने आपसे पिछले कहा था, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 3 और आपको नंबर मिलेंगे 12। रे ऑप्टिक्स जो कि बहुत कम वेटेज का होता है, लेकिन लास्ट ईयर 3 सवालों के साथ में आया और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो संख्या रही आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो 12 होंगे। वेव ऑप्टिक्स जो कि बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पूछा जाता है, लेकिन तब भी 2 सवाल आए और 8 नंबर आपको देने के लिए यहाँ पे उत्तरदायी होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, इनका वेटेज यहाँ पे 6-7 सवालों का होता है, लेकिन यहाँ पे ये कम हुआ क्योंकि यहाँ पे रेव ऑप्टिक्स और वेव वाले जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के 3 सवाल यहाँ पे आ गए थे, तो इसका वेटेज थोड़ा कम हो गया। यहाँ पे जो है टोटल क्वेश्चन 5 और नंबर आपको मिलेंगे 20। इसी तरह से मैग्नेट का भी वेटेज 6 सवालों का हो जाता है, आपको 5 सवाल है यहाँ पे और टोटल मार्क्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 20। मॉडर्न फिजिक्स, इसका वेटेज कभी कभी 11 से 15 सवालों को जाता है, लेकिन पिछले जो हमने आपको जो रीजन बताया उसके कारण यहाँ पे इसकी संख्या सिर्फ रह गई 7 और ये हो गया 28। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अगर आपके ये 13 सवाल ये और 7 सवाल ये 20 सवाल भी अगर आपके यहाँ पे पूरे पक्के होते हैं, ऊपर मॉडर्न और नीचे ऊपर जो है मैकेनिक्स और नीचे मॉडर्न, तो 20 चौके 80 होते हैं। और अगर आप जो है अपने जो है जो पिछले स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछिएगा फिजिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो ऐसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जिनके पूरे फिजिक्स में नंबर 50 भी नहीं आए थे। तो इसलिए अगर 2 यूनिट पक्की है तो आपके नंबर 80 हो जाते हैं और बाकी के सारे यूनिट मैं आपको जो है बीच बीच में ये भी दिखाऊंगा कि जहां पे ऐसे सवाल जो कि आपके फिजिक्स के थे ही नहीं वो भी जो है आपको 4-4 नंबर देने के लिए उत्तरदायी थे। और इसी के साथ जो है ये वीडियो आपका समाप्त होता है, इसको आप बहुत ध्यान से देखें। ऑल द बेस्ट।